माननीय उपसभापति जी, विशेष उल्लेख के माध्यम से बांधों में जमा सिल्ट निकालने के लिए स्थायी और निरंतर व्यवस्था के संबंध में विषय रख रहा हूं। माननीय मध्य प्रदेश के बरगी बाणसागर सहित देश के प्रायः बांधों में बड़ी मात्रा में सिल्ट डिपॉजिट हो गई है, जिससे बांधों में जल भराव उनकी सीमा से नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं जल भराव आधे से भी कम बांधों में जल भराव हो रहा है। इससे जल की आपूर्ति कम व बाधित हो रही है, जिससे देश की कृषि पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। प्रांतों में जल आपूर्ति को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसके समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा सिल्ट निकालने के लिए स्थायी व निरंतर चलने वाली व्यवस्था बनाया जाना लोकहित में अत्यंत आवश्यक है। सदन के माध्यम से भारत सरकार से विनय है, शीघ्रातिशीघ्र इस विषय पर निराकरण कर स्थायी मैकेनिज्म बनाएगी। साथ ही देश भर के सभी प्रांतों में जहां भी बांध हैं उनकी वर्तमान परिस्थिति चिंताजनक है। सभी प्रांतों की यह समस्या समान है। प्रांतीय स्तर पर इस समस्या के समाधान हेतु नई व्यवस्था विकसित की जाकर देश भर में एक रूपता की आवश्यकता है। जल की आपूर्ति वर्तमान में एक गंभीर चुनौती है। आगामी समय में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह समस्या और बढ़ने वाली है। संपूर्ण देश को दृष्टिगत रखते हुए सार्वदेशिक व्यवस्था बनाए जाने हेतु भारत सरकार से अपेक्षा है।